स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम चेंज ऑफ वेरिएबल्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की ही होगी। तो सपोज हम एक क्वेश्चन लेते हैं एंड द क्वेश्चन इज डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स 10 in the bracket y minus x equal to 1, okay? इसका हमें solution find करना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पे है y minus x। अगर ये y minus x ना होता, अगर ये केवल x का function होता या y का function होता, तो हम इसको solve कर लेते easily। लेकिन यहाँ पे y minus x है, तो हमें इस y minus x को replace करना होगा, change करना होगा। That's why ये method इसीलिए change of variables method भी कहलाता है। Okay, तो what we have to do here, put y minus x is equal to v. Okay, y minus x is equal to v, हमें replace कर देना है y minus x को v के according। अब v के according हमें replace करना है, तो यहाँ पे जो dy upon dx है वो भी चेंज हो जाएगा। सो हमारी जो ये गिवन इक्वेशन है, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी विल गेट डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 एंड वी का डी वी अपॉन डी एक्स। ओके, अब हमें क्या करना है, जो हमारी ये गिवन इक्वेशन है, यहाँ पे वाई माइनस एक्स को वी के अकॉर्डिंग चेंज करना है एंड dy माइनस dx की वैल्यू इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज करके लिख देना है। ओके, तो हमारी जो गिवन इक्वेशन है उसको हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस x 10 y माइनस x। ओके, हमने क्या किया, यहाँ पे dy अपॉन dx था, हमने इस dy upon dx को यहीं पे रहने दिया और 1 के साथ ये वाला पूरा टर्म हम उधर ले गए, तो ये नेगेटिव है, तो ये कन्वर्ट हो गया प्लस में और यहाँ पे ये मिल गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज जो हमने पुट की है वो रखेंगे। तो dy upon dx के अकॉर्डिंग मैं इसे लिख सकती हूँ dv upon dx plus 1। ओके, क्यों, यहां से हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे माइनस वन है, ये माइनस वन इधर चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा dv अपॉन dx प्लस 1। तो यही वैल्यू हमें यूज करनी है नीचे, तो हमने dy अपॉन dx की जगह dv अपॉन dx प्लस 1 लिखा, इज इक्वल टू 1 प्लस x इज एज इट इज एंड 10 y माइनस एक्स को रिप्लेस कर दिया v से। ओके, अब आप देखिए, अब यहां पे हम देखें लेफ्ट हैंड साइड भी 1 है, पॉजिटिव 1 एंड राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव 1 है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि सेम डिजिट हमारी इधर भी ऐड हो रखी है, इधर भी ऐड हो रखी है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी। ओके, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, यहाँ पे डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स 10 v। अब हमारे पास क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे dv एंड dx है, dv dx और यहाँ पे भी x एंड v। अब हमें क्या करना है, सेपरेट करना है, x को dx के साथ रिप्लेस कर देंगे एंड dv के साथ v वाले टर्म आप रखेंगे। ओके, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं dv 10 v इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे cot v। ओके, 1 अपॉन में आया एंड दिस इज x dx। ओके, अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो बोथ साइड हम इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, अब आप ये देखिए cot v, इसको हम इधर से समझिए, आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ cot v dv। तो इस cot v को क्या मैं लिख सकती हूँ, cos v dv अपॉन साइन वी, बिकॉज वी नो दैट कॉट वी इज इक्वल टू कॉस वी अपॉन साइन वी। अब अगेन इसको इंटीग्रेट करने के लिए
हम क्या कर देते हैं, साइन v को पुट कर देते हैं सपोज t, ओके। अब यहां पे हमने क्या किया, साइन v को चेंज कर दिया t के अकॉर्डिंग, तो ये जो dv है ये भी t के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा साइन v का हो जाता है cos v dv इज इक्वल टू dt। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये गिवन वैल्यू है यहाँ पे, इसमें हम cos v dv की जगह ये वाली वैल्यू रख देंगे, sin v की जगह t रख देंगे एंड उसको फिर इंटीग्रेट करेंगे, ओके। तो देखिए इसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन आपका एज इट इज रहेगा, cos v dv की जगह आपने रख दिया dt अपॉन sin v की जगह आ गया t, तो 1 अपॉन t का dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, log t इज इक्वल टू, यहाँ पे t कहाँ से आया, t इज sin v, तो log ऑफ sin v, ओके। तो ये इंटीग्रेशन हमने रफली किया, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे, cot v dv का इंटीग्रेशन आपने क्या निकाला, log sin v लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, x है, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x square by 2 and plus some any arbitrary constant हमने ले लिया, that is c, okay? But question हमारे पास given था y and x में, और हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो v term है इसको भी x and y में change करना पड़ेगा, तो answer हमारा आ जाएगा log sin, v को हमने replace किया था y minus x से, तो उसको हम लिख देंगे y minus x and this is equal to x square upon 2 plus c, ये आपका differential equation का solution आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम solution find करेंगे y minus x को replace करके change of variable method से, okay, thank you।